वीडियो में हम SB सबवूफर एम्पलीफायर बनाएंगे। अगर आप भी सिंगल IC से एक तरफ साउंड और दूसरी तरफ बेस वाला एम्पलीफायर बनाना चाहते हैं, तो कृपया वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना न भूलें। सबसे पहले आपको IC को अच्छे से हीट सिंक पर जोड़ देना है। आपको 2.2 UF के कैपेसिटर की पॉजिटिव पिन को IC की पिन नंबर 1 पर जोड़ देना है। फिर 220 UF के कैपेसिटर की पॉजिटिव पिन को IC की पिन नंबर 2 पर जोड़ देना है। फिर इसी कैपेसिटर की नेगेटिव पिन पर 18 ओम का रेजिस्टर जोड़ देना है। फिर 22 UF के कैपेसिटर की पॉजिटिव पिन को IC की पिन नंबर 3 पर जोड़ देना है। फिर आपको 220 UF के कैपेसिटर की पॉजिटिव पिन को IC की पिन नंबर 4 पर जोड़ देना है और इसकी नेगेटिव पिन पर 18 ओम का रेजिस्टर जोड़ देना है। फिर 2.2 UF के कैपेसिटर की पॉजिटिव पिन को IC की पिन नंबर 5 पर जोड़ देना है। अब IC की पिन नंबर 6 पर आपको इस प्रकार से एक वायर को जोड़ देना है। यह IC की ग्राउंड वायर है। अब 2200 UF के कैपेसिटर की पॉजिटिव पिन को IC की पिन नंबर 8 पर जोड़ देना है। फिर 1500 UF के कैपेसिटर की पॉजिटिव पिन को IC की पिन नंबर 10 पर जोड़ देना है। अब 1.2K का रेजिस्टर ले और उसकी एक पिन को IC की पिन नंबर 2 पर लगे 220 UF के कैपेसिटर की नेगेटिव पिन पर जोड़ दे और इस रेजिस्टर की दूसरी पिन को IC की पिन नंबर 10 पर जोड़ दे। फिर 1.2K का रेजिस्टर ले और उसकी एक पिन को IC की पिन नंबर 4 पर लगे 220 UF के कैपेसिटर की नेगेटिव पिन पर जोड़ दे और दूसरी पिन को IC की पिन नंबर 8 पर जोड़ दे। फिर 104 PF ले और उसकी किसी भी एक पिन को IC की पिन नंबर 8 पर जोड़ दे। अब 1 ओम का रेजिस्टर ले और उसकी एक पिन को 104 PF पर जोड़ दे और दूसरी पिन को IC की ग्राउंड पिन 6 पर जोड़ दे। फिर 104 PF ले और उसकी किसी भी एक पिन को IC की पिन नंबर 10 पर जोड़ दे। फिर से 1 ओम का रेजिस्टर लेकर उसे 104 PF की दूसरी पिन पर जोड़ दें और रेजिस्टर की दूसरी पिन को IC की पिन नंबर 6 पर जोड़ दें। इन दोनों 18 ओम के रेजिस्टर को अब ग्राउंड पिन पर जोड़ दें। IC की पिन नंबर 3 पर जुड़े 22 UF के कैपेसिटर की नेगेटिव पिन को अब ग्राउंड कर दें। अब 2200 UF के कैपेसिटर पर इस प्रकार 104 PF को जोड़ लेना है। फिर इस कैपेसिटर की पॉजिटिव पिन को IC की पिन नंबर 9 पर जोड़ दें
और दूसरी पिन को ग्राउंड कर दें। अब आपको इनपुट वायर्स को जोड़ देना है। आईसी की पिन नंबर 9 पर पॉजिटिव और ग्राउंड पर नेगेटिव वायर्स को जोड़ देना है। आप इसे 12 वोल्ट से लेकर 14 वोल्ट इनपुट दे सकते हैं। अब आपको इस प्रकार से स्पीकर की वायर्स को जोड़ देना है। अब ऑक्स केबल की ग्राउंड वायर को इस एम्पलीफायर की ग्राउंड पर जोड़ देना है और राइट वायर को 33 NPF पर जोड़ देना है। 33 NPF की दूसरी पिन को आईसी की पिन नंबर 1 पर जोड़ देना है। फिर ऑक्स केबल की लेफ्ट वायर को 2.2 UF कैपेसिटर की नेगेटिव पिन पर जोड़ देना है। फिर 104 PF लें और उसकी किसी भी एक पिन को आईसी की पहली पिन पर जुड़े 2.2 UF कैपेसिटर की नेगेटिव पिन पर जोड़ दें। इस PF की दूसरी पिन को ग्राउंड कर दें। फिर 470 UF का कैपेसिटर लें, उसकी नेगेटिव पिन को ग्राउंड पर जोड़ दें और पॉजिटिव पिन को आईसी की 5 पिन पर जुड़े 2.2 UF कैपेसिटर की नेगेटिव पिन पर जोड़ देना है। सर्किट तैयार हो चुका है। आपको इसका डायग्राम वीडियो में मिल जाएगा। अगर आपने वीडियो को पूरा नहीं देखा है तो आपका एम्पलीफायर वर्क नहीं करेगा। यह एम्पलीफायर बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। आप भी इस एम्पलीफायर को आसानी से बना सकते हैं। यह 100% वर्क करेगा। अगर आप इसी आईसी से नॉर्मल एम्पलीफायर बनाना चाहते हैं, तो इसका सर्किट डायग्राम भी आपको वीडियो में मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।